हे और सब बड़ी और आप सब कैसे हो, आप सभी का स्वागत है अनबॉक्सिंग रीम चैनल पे। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू करेंगे फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय एटीएम कार्ड होल्डर। आप देख सकते हो इसको हमने खरीदा है 2 साल पहले। जी हाँ दोस्तों, इसको हमने 2 साल पहले खरीदा था 79 रुपीज से और अभी भी इसको हम यूज़ कर रहे हैं। इसका क्वालिटी ज़रा सा भी चेंज नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी से इसको फिनिशिंग किया गया है। आप देख सकते हो आर्टिफिशियल लेजर से इसको बनाया गया है और देखने में दोस्तों बहुत ही बढ़िया लगता है और इसका क्वालिटी अभी भी इसमें कोई चेंज हमको देखने को नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, ये 2 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और आप एक बजट प्राइस में एटीएम कार्ड होल्डर ख़रीदना चाहते हो लॉन्ग टाइम यूज़ करने के लिए, इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी कम है और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों हमने जो 2 साल पहले इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बना के रखा था और अभी जो इसके रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको एक एटीएम कार्ड होल्डर चाहिए तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह पैकेजिंग के साथ फ्लिपकार्ट से आया था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यही है पैकेज जो पार्सल आया है फ्लिपकार्ट से, इसी के अंदर है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का एटीएम कार्ड होल्डर्स जो हमने ख़रीदा है 79 रुपीज से और आप देख सकते हैं उसका पैकेजिंग कुछ इस टाइप का है। इसी के अंदर है ब्राउन कलर का एटीएम कार्ड होल्डर्स, आप देख सकते हो लुक बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों ये जो एटीएम कार्ड होल्डर है हमने 2 साल पहले ख़रीदा था, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो सिर्फ बना के रखा था और अभी जो इसका हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं और दोस्तों ये 2 साल बाद इसका हालत कैसा हुआ है वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों एक अच्छी बात है, ये जो प्रोडक्ट है इंडियन प्रोडक्ट है, इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया है और दोस्तों इसके अंदर आपको जो है 24 कंपार्टमेंट पाउच देखने को मिल जाता है, यानी 24 एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड इसमें रख सकते हो। तो दोस्तों ये जो एटीएम कार्ड होल्डर है 2 साल बाद इसका हालत कैसा हुआ है तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यही है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का एटीएम कार्ड होल्डर्स जो हमने 2 साल पहले ख़रीदा था 79 रुपीज़ से और हमको जो है 2 साल के बाद इसमें इतना ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों हमने जो है इसको पर्सनली 2 साल लगातार इसको यूज़ किया, इसमें जो है एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंने रखा और 2 साल में इसके अंदर मेरे को कोई परेशानी देखने को नहीं मिला। और दोस्तों ये जो एटीएम कार्ड होल्डर्स है मेरे को अभी लग रहा है कि ये और 2-3 साल आराम से चल जाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से माइंड ब्लोइंग है। आप इसी तरह का एटीएम कार्ड होल्डर्स ऑफलाइन से ख़रीदते हो तो आपको जो है 150 या फिर 200 रुपीज़ पे करना पड़ सकता है। दोस्तों आप एक बढ़िया सा लॉन्ग टाइम यूज़ करने के लिए और बजट प्राइस में ढूंढ रहे हो एक एटीएम कार्ड होल्डर्स तो आप इसको ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी कम है और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। इस रेंज में इससे शायद आपको एटीएम कार्ड होल्डर्स ऑनलाइन में देखने को नहीं मिलेगा और दोस्तों इसका बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों मैंने पर्सनली खुद इसको यूज़ किया है और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और मैं इसको रेटिंग मार्क देना चाहूँ तो 10 में से 9 में इसको रेटिंग मार्क देना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो के अंदर या फिर इस एटीएम कार्ड होल्डर के अंदर आपको कुछ सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताना और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।